दोस्तों, ईशान किशन के आउट होने के तरीके पर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल आपको बता दें कि जब ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे, उस दरमियान भारतीय टीम काफी मुश्किलों में थी, क्योंकि पावर प्ले के भीतर ही टीम इंडिया अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में उम्मीद यही थी कि कैप्टन ऋषभ पंत के साथ ईशान किशन भारतीय पारी को संभाल लेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खतरनाक तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्क्यू की गेंद पर वो बेहद लापरवाही वाला शॉट खेलकर आउट हो गए, जिस पर डगआउट में बैठे भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ईशान किशन को घूरते हुए नजर आ रहे थे। उनके इशारों से कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वो किशन के आउट होने के तरीके पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दोस्तों, राहुल द्रविड़ का गुस्सा यहाँ जायज था या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।